हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन पोर्ट ब्लेयर ने इंजन ड्राइवर और सारंग लास्कर जैसी वैकेंसी निकाली है। अगर आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सभी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि दोस्तों, इसके साथ आपको दो पेज और देखने को मिलते हैं जो कि ओबीसी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि रियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ एक पेज का ही रहेगा। तो दोस्तों, फिल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके। आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल आसानी से और बगैर किसी परेशानी के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ आवेदन का प्रारूप। यहाँ पर दोस्तों, आपको अपने पास फोटो साइज फोटो लगानी है। आपकी फोटो रिसेंट होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप इंजन ड्राइवर के लिए, सारंग लास्कर के लिए, या फिर लास्कर फर्स्ट क्लास के लिए, आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस बाद जो यहाँ पर फिर से आपको अपने पद का नाम लिखना होगा जो कि आपने यहाँ पर फिल किया था, वही पद यहाँ पर कॉपी करना होगा। इसके बाद आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, दोस्तों नेशनलिटी में आपको सिर्फ इंडियन ही लिखना होगा। इसके बाद पहचान चिन्ह यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके बॉडी पर कोई कट हो, कोई मोल हो, तो उसका जो आपको पहचान चिन्ह जो है यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको अपने कैटेगरी का नाम लिखना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप एससी से, एसटी से, ओबीसी से, जनरल से, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तकनीकी यानी कि टेक्निकल में आपने आईटीआई कर रखा है या फिर डिग्री डिप्लोमा कर रखा है उसकी जानकारी फिल करेंगे। गैर तकनीकी यानी आपने 10th 12th जो की है वो यहाँ पर लिख देंगे। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर बगैर शादी के मैरिड या फिर अनमैरिड, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका एड्रेस दोस्तों यहाँ पर फिल करना होगा, और अगर आपके पास कोई दो एड्रेस है तो दोनों अलग अलग भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपका स्टेट, आपका विलेज, आपका पिन कोड, आपका हाउस नंबर, ये सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल सही सही और बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में फिल करनी होगी, ताकि डिपार्टमेंट जो है आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट करता रहे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये डिक्लेरेशन यहाँ पर दी गई है, ये डिक्लेरेशन दोस्तों पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड के जो है थंब इंप्रेशन देने होंगे, यहाँ पर डेट और पैलेस लिखनी होगी, यानी जिस डेट और पैलेस को आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ देखिए, आपके दो अलग अलग सर्टिफिकेट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको ओबीसी के सर्टिफिकेट दी गई है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको फिल करना होगा। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गाँव और दोस्तों आपके स्टेट का नाम यहाँ पर जानकारी फिल करनी होगी। ये सभी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर सिंपली दोस्तों आगे चलकर देखिए, आपको सिग्नेचर और जो है जिला मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर और ये सभी जो है करने होंगे। और दोस्तों, अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना होगा। इसमें भी आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, और दोस्तों इस तरह जो आपको दोबारा से अपना नाम, पिता का नाम और यहाँ पर सिग्नेचर, पद नाम, ये सभी जानकारियाँ फिल करनी होंगी। तो दोस्तों, अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं तो ये आपको फिल करना है, या फिर अगर आप दूसरे कैंडिडेट हैं तो ये आपको फिल नहीं करना है। और ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये केवल ओ बी सी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि अगर आप ओ बी सी कैंडिडेट हैं तो ही ये फिल करेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो सिर्फ आपको एक पेज में भेजना है। अगर आप ओ बी सी कैंडिडेट हैं तो ओ बी सी सर्टिफिकेट लगानी होगी। अगर आप एस सी और एस टी कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट लगानी होगी। तो दोस्तों, इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोस्तों डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर भी आपको सारी जानकारी दी गई है। हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड रीजन अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर, टोटल जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 वैकेंसीज निकाली गई है, इंजन ड्राइवर की, सरंग लास्कर की और दोस्तों लास्कर फर्स्ट क्लास की। कम से कम 10th पास आउट आपको होना चाहिए। आपकी उम्र दोस्तों यहाँ पर अलग अलग रहेगी, लगभग 18 से 30 जो आपकी उम्र रहेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। इसी के साथ देखिए दोस्तों, आपके रिटन टेस्ट की हम बात करते हैं तो सिंपली आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, सिंपल मैथ्स से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको स्किल टेस्ट भी दोस्तों हो सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
सकते हैं। और दोस्तों अगर एड्रेस की बात करते हैं तो ये आपका एड्रेस रहेगा, आपको एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना जो पोस्ट है वो खाली ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजेंगे, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।